हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आपका केपी ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारा सीरीज चल रहा है नंबर सिस्टम का, और उस सीरीज में कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो जीरो की संख्या ज्ञात करने के एक भी सवाल को हम नहीं छोड़ेंगे। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके ज्ञात करने के तरीके क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बच्चों हमको शून्य प्राप्त कब होता है? देखिए शून्य कब प्राप्त होता है? जब 5 गुणे 2 होता है तभी हमको शून्य प्राप्त होता है, उसके पहले शून्य प्राप्त नहीं होता है। जब, कहने का मतलब यह है कि 5 गुणे 2 होगा तभी शून्य प्राप्त होगा। नहीं तो यदि आपको दिया गया हो इस प्रकार का 10 या 20 दिया गया हो तो आपको तो ऐसे ही ऑलरेडी शून्य दिया रहता है। तो जहाँ हमको नहीं दिया रहेगा वहाँ शून्य प्राप्त करने के लिए हम 2 और 5 के रूप में तोड़ लेंगे। अब 2 और 5 के रूप में तोड़ने के बाद यदि जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वही शून्य की संख्या होगा। क्योंकि बच्चों यदि हम 5 गुणे 2 करेंगे तब 10 होगा, फिर 5 गुणे 2 करेंगे तभी 10 होगा। कहने का मतलब हमारे पास 2 और 5 के बराबर जोड़े बनने चाहिए तभी जाके हमको शून्य प्राप्त होगा। इसलिए इनमें से जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारे जीरो की संख्या होगी। आइए दोस्तों एक सवाल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 नंबर ऑफ जीरोज, मतलब जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं, 1 5 हमको यहाँ दिया गया है, 2 5 यहाँ दिया गया है, 3 5 यहाँ दिया गया है, और 4 5 दिया गया है यहाँ दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना 4। उसी प्रकार हम 2 की पावर को चेक करेंगे। 2 का पावर जो दिया गया है, 1 देखिए यहाँ पर 2 है और 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर दिया गया है। तो हमारे पास 2 की पावर जो हो जाए कितनी हो जाएगी? 3। अब देखिए हमने आपसे जैसे बताया, हमने कहा जिसकी पावर सबसे छोटी होगी हम उसी को क्या लेंगे, नंबर ऑफ जीरो। हम क्यों लेते हैं, आप यहाँ से हम इसको कंपेयरिंग करते, देखिए 5 गुणे 2 करेंगे एक पेयर बन गया, 5 गुणे 2 करेंगे एक पेयर बन गया, 5 गुणे 3 करेंगे एक पेयर हमारे पास बच गया, 5 गुणे देखिए 5 गुणे यहाँ 2 करना पड़ेगा बच्चों, तो 5। अब देखिए हमारे यहाँ पास 3 ही 2 थे तो हमारे पास 3 ही पेयर बनेगा। तो यहाँ से 1 0 निकल के आएगा 10, यहाँ से 1 0 निकल के आएगा 10, यहाँ से 1 0 निकल के आएगा 10। अब 5 अकेले बच गया तो उसका पेयर बन नहीं सकता, इसलिए उसका 0 नहीं निकलेगा। इसीलिए जो सबसे छोटी घात होगी इन दोनों में से वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 3। सबसे छोटी पावर चाहे 2 की होगी चाहे 5 की होगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा सवाल है। आइए कुछ और सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, देखिए 5 की पावर 6 दिया गया है, 2 की पावर 62 है, 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 6 है, 4 की पावर 5 है। तो हमको नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं 3 की पावर कुछ भी कर दें उसको हमको फर्क पड़ता नहीं, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 3 की पावर कुछ भी कर दें हमको 0 प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से 5 की पावर हम चेक कर लेते हैं। देखिए 5 की पावर यहाँ 6 है और यहाँ देखिए 4 दिया गया, तो हो जाएगा टोटल 6 4 10। अब यहाँ से 2 की पावर हमको दिया गया है 62, प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ देखिए 2 की पावर 5 दिया गया, 2 की पावर कह रहे हैं 4 की पावर 5 दिया गया है, तो इसको हम 2 के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 के रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 की पावर 5, तो यहाँ से 2 की पावर निकल के जो आ जाएगा 10। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए 5 की पावर 10 गुणे 2 की पावर हो जाएगा 74। तो यहाँ से दोनों में से जो सबसे छोटी घात होगी वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। तो सबसे छोटी घात जो कितनी है, 5 की कितनी है 10, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा 10, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। आइए और सवाल देखते हैं बच्चों। हाँ देखिए हमने बच्चों आपके लिए एक नए टाइप का सवाल लेके आया है। दिया गया फैक्टोरियल 100, जब हमको 100 या 200 या 500 या 1000 फैक्टोरियल में दिए रहे या कोई भी संख्या फैक्टोरियल में, तो हम कैसे नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करते हैं? तो हमको देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, 100 फैक्टोरियल दिया गया, 100 में 5 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 5 20।
जानते हैं कि 20 पंजे कितना होता है 100, क्योंकि 5 दूनी 10 जीरो बच जाएगा। अब क्या करना है, जो शेष फल आया उसमें फिर 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 और 20। तो यहाँ से देखिए 20 और कितना हो जाएगा, 20 प्लस का 4 हो जाएगा 24। यहाँ से 5 की पावर कितनी निकल के आए, 5 की पावर जो निकल के आ गई 24। यदि इसी प्रकार हम इसमें 2 की पावर निकालना चाहे फैक्टोरियल 100 में, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 50, फिर 50 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 25, फिर 25 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12, रिमाइंडर से हमको मतलब नहीं है, फिर 12 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 6 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1। तो देखिए सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 75, 75 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 75, 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87, 87 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा 93, 93 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, 96 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97, 2 की पावर हो जाएगा 97। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर निकालेंगे, यहाँ 5 की पावर हमने निकाला है 24, तो जो छोटी पावर होगी वही हमारा क्या होगा आंसर। तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे कितने 24। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतना लंबा प्रक्रिया ना करके सिर्फ 5 से भाग करके बच्चों आसानी से सवाल को ज्ञात कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा और छोटा सा सवाल लेके इसी के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हो अगर 200 फैक्टोरियल, अब की बार बच्चों 200 फैक्टोरियल ना, तो फैक्टोरियल को हटाते हैं, 200 में हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 और 20 तो हो जाएगा 40, फिर 40 में हम क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15 और 40, फिर 8 में हम 5 से भाग करेंगे 5 गुने 5। यहाँ से देखिए कितने 5 निकल गया है, टोटल 5 की पावर हो जाएगा 49। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे बच्चों 49 हो जाएंगे। देखिए फैक्टोरियल उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सिर्फ 5 से भाग कर दीजिए, जितना मान आता वही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलिए कुछ और नए टॉपिक के सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, यदि अब देखिए सवाल में बहुत सारे फैक्टोरियल दिए गए हैं तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल लंबा हो गया बच्चों, तो कोई बात घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको और भी आसान विषय करेंगे। तो हमारे पास 20 का फैक्टोरियल दिया गया, 30 का फैक्टोरियल दिया गया है, 50 का फैक्टोरियल दिया गया बच्चों, 45 का फैक्टोरियल दिया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आइए इसको देखिए, 20 से क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि 20 5 से भाग करेंगे 4 भाग निकल जाएगा, तो 5 की पावर कितनी निकल के आ गई 4 निकल के आ गई। अब 30 में उसी प्रकार क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30, फिर 6 से 5 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना मान निकल के आएगा, टोटल 6 1 7, यहाँ से जो मान निकल के आया कितना हो गया 7 हो गया। अब उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो 50 में हम 5 की पावर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 10 को हम 5 से भाग करेंगे तो 2, तो यहाँ से जो निकल के आएगा टोटल हो जाएगा 12। उसी प्रकार 45 में निकाल लेते हैं, 45 को 5 से भाग करेंगे 5 9 45, फिर 9 में 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितने 5 निकल के आएंगे 1, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 10। तो नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखिए 7 4 हो जाएगा 11, प्लस का 12 प्लस का 10, तो हमारे टोटल नंबर आप जीरो कितने हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 10 10 20 10 30 हो जाएगा 33 नंबर ऑफ जीरो। हमारे पास जीरो की संख्या बिल्कुल कितनी हो जाएगी बच्चों 33 हो जाएगी। ये हमारे पास फिर नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे नए टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए 1 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 डॉट 35 की पावर 5 में नंबर ऑफ जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम जानते हैं कि 5 की पावर 5 से हमको मतलब है, या 5 की पावर से मतलब है, और 2 की पावर से मतलब है, 2 की पावर ज्यादा हमेशा वैसे ही आएगी, तो 5 की पावर चेक कर लेते हैं, जो 5 की पावर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ना हमको 1 में 5 की पावर कुछ मिलेगी, ना 2 में मिलेगी, ना 3 में मिलेगी, ना 4 में मिलेगी, तो मिलेगी कहाँ मिलेगी 5 में मिलेगी। तो यहाँ से 5 में 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, फिर हमारा अगला 5 कहाँ मिलेगा 10 में मिलेगा, तो यहाँ से 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5, अगला 5 कहाँ मिलेगा ना 11 मिलेगा, ना 12 मिलेगा बच्चों, ना 13 मिलेगा, ना 14 कहाँ मिलेगा 15 मिलेगा, तो 15 में 5 की पावर 5 हो जाएगा। फिर नहीं 16 में मिलेगा, अगला जो मिलेगा 20 में मिलेगा, 20 की पावर हो जाएगी 5,
फिर ना 21 में मिलेगा ना 22 में मिलेगा, मिलेगा 25 में, तो 25 की पावर हो जाएगी 5। अब 25 के बाद 26 27 28 में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 30 में मिलेगा, तो हो जाएगी 30 की पावर 5। तो बच्चों ना 31 में मिलती है 5, ना 32 में मिलता है 5, ना 33 में 5 मिलता है, तो मिलेगा कहाँ, 35 में मिलेगा 5, तो 35 की पावर 5। अब क्या करना, हमको 5 की पावर ज्ञात कर लें, तो वही समारोह आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5 यहाँ से मिलेगा, 5 यहाँ से मिलेगा, 5 यहाँ से मिलेगा, 5 यहाँ से मिलेगा, लेकिन 25 में हमारा जो मिलेगा इसका दोगुना मिलेगा, क्योंकि 5 की पावर का स्क्वायर पूरे की पावर 5, तो यहाँ से जो मान निकल के आ जाएगा 5 की पावर कितना आ जाएगा 10। तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यहाँ से देखिए 5 यहाँ से 5 5 5 या कह सकते हैं सीधे 5 5, 10 प्लस का 5 प्लस का 5, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 5 5 5 5 10 5 5, यहाँ से 5 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 10 2 10 3 10, और देखिए यहाँ दिया गया, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास जो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 40। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 40। कोई बात नहीं, जितने प्रकार के सवाल आएंगे उसी टाइप से हम सवाल को सॉल्व करते रहेंगे। आइए आगे देखते हैं, सवाल फिर नए टाइप का आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। 10 के प्रथम 100 गुणजों के 100 गुणजों में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 10 के प्रथम 100 गुणज में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। आप तो या तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया होगा, या तो आपको इस प्रकार दिया रहेगा, देखिए 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 40 गुणे डॉट 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 डॉट, यहाँ दिया रहेगा आपको 1000, इसमें शून्यों की संख्या याद करना रहेगा। तो यहाँ से देखिए हम अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 1, फिर लिख सकते हैं 10 गुणे 2, फिर लिख सकते हैं 10 गुणे 3, ऐसे ही डॉट 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 यहाँ भी लिख सकते हैं 10 गुणे 100। अब देखिए हमारा 10 का मल्टीप्लाई बार कितनी बार हुआ है, 100 बार हुआ है। तो यहाँ से यदि हम कॉमन लेना चाहें, 10 की पावर कितना लेंगे 100, 10 की पावर 100 क्यों लेंगे, क्योंकि 10 हमने 100 बार कॉमन किया है। यदि हमारा प्लस में होता सिर्फ हम 10 कॉमन कर लेते हैं, लेकिन गुणा में है तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 100, और यहाँ से हो जाएगा 1 गुणे 2 3 4 5 डॉट 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 चला जाएगा 100 तक। तब यहाँ से देखिए 100, अब यहाँ से हो गया 10 की पावर 100। अब यहाँ से हम जानते हैं इसका मान कितना हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, और 100 फैक्टोरियल में हम जानते हैं कि 24 जीरो होते हैं, नहीं तो हम निकाल लेते हैं 100 फैक्टोरियल में 100 बटे करेंगे 5, तो इसको काटेंगे 20 प्राप्त होगा, फिर 20 को 5 से काटेंगे तो हमको प्राप्त होगा 4, तो टोटल कितने यहाँ से हो जाएंगे 24, मतलब फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं 24 जीरो। और यहाँ पर देखिए 10 की पावर 100 दिया गया, मतलब ये जीरो की संख्या दी गई ना, तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस का 24, तो हमारा जो मान निकल के आ जाएगा 124, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 124। इस प्रकार के सभी सवालों को आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक कुछ नए टाइप का सवाल देखते हैं। हाँ बच्चों, हमारे पास फिर एक नए टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब की बार देखिए कैसे किया जाएगा, 3 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 12 गुणे 15 डॉट 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 600 तक गया है, मतलब 3 के सभी मल्टीपल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1, फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 2, फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 3, फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 4, फिर लिख सकते हैं 3 गुणे 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 × 200 या कह सकते हैं 200। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अगर हम 3 कॉमन कर सकते हैं तो 3 कितनी बार कॉमन करेंगे, यहाँ 200 बार गया तो 3 कितनी बार जाएगा, सीधी सी बात है 3 की पावर हो जाएगा 200। तब देखिए यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त होगा 1 × 2 × 3 × 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक जाएगा 200 तक। हम जानते हैं कि 1 से लेकर यदि 100 तक जाता है तो 100 का फैक्टोरियल हो जाता है, उसी प्रकार 1 से लेकर 200 तक जाता है तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 200, और यहाँ से हो जाएगा 200 फैक्टोरियल, और 200 फैक्टोरियल में मान हम निकाल लेते हैं कितनी होंगी जीरो की, 200 को 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 × 20, फिर 40 को हम 5 से काटेंगे 15 × 40, फिर 8 को 5 से काटेंगे 5 × 5। अब यहाँ से देखिए
40, 8 और 1 को जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 49, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, टोटल 49, क्योंकि बच्चों हम 3 की पावर कुछ भी कर ले कभी भी जीरो प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसका मान कभी जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 200 में जितने जीरो होंगे वही पूरी संख्या में जीरोज की संख्या हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 200 में हमको 49 जीरो प्राप्त हुए हैं, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 49। यह इस सवाल का आंसर है। यदि बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।